20 ओवर के मैच में 11 ओवर अकेले खेलकर विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में अपना 8वां शतक ठोक दिया है। आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली ने मिलकर 20 ओवरों में से 14 ओवर खेल लिए, जिसमें दोनों ने मिलकर कुल 125 रन बनाए। ध्यान रहे कि आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने 8 शतक जरूर ठोके हैं, लेकिन आरसीबी ने आज तक एक भी फाइनल नहीं जीता है। आरसीबी की टीम में आज सौरभ चौहान अपना डेब्यू कर रहे थे, लेकिन इस युवा खिलाड़ी को वो मौका नहीं मिल पाया कि वो खुलकर खेल सके। सौरभ विराट को स्ट्राइक देने में ही व्यस्त दिखाई दिए। विराट कोहली ने 72 गेंद पर नाबाद 113 रनों की पारी खेली है, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। अब मैच का नतीजा ही तय करेगा कि विराट की पारी धीमी है या सही है। सोचने वाली बात ये भी है, दिनेश कार्तिक जैसा फिनिशर बल्लेबाज एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं पाया है। महीपाल लोमरोर, अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो पवेलियन में बैठकर विकेट गिरने का इंतजार ही करते रह गए। आरसीबी अगर ये मैच हारती है तो विराट कोहली के खेलने के अंदाज पर सवाल उठेंगे। सवाल ये भी उठेगा कि एक ओपनर पूरे ओवर खेले और शतक लगाए, ये जरूरी है या ये जरूरी है कि वो तेज खेलकर अभिषेक शर्मा की तरफ मोमेंटम देकर अपनी टीम के लिए मैच विनर बन जाए। विराट कोहली की इस पारी को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट पे लिख के बताएं।